असहमति को अवसर दो, सहिष्णुता को आचरण दो कि बुद्धि सिर ऊंचा रख सके, उसे हताश मत करो। काइया तर्कों से हरा हरा कर अविनय को स्थापित मत करो। उपेक्षा से खिन्न ना हो जाए कहीं मनुष्य की साहसिकता। अमूल्य थाती है यह सबकी, इसे स्वर्ग के लालच में छीन लेने का किसी को अधिकार नहीं। आह, तुम नहीं समझते पिता, नहीं समझना चाह रहे कि एक एक शील पाने के लिए कितनी महान आत्माओं ने कितना कष्ट सहा है। सत्य जिसे हम सब इतनी आसानी से अपनी अपनी तरफ मान लेते हैं, सदैव विद्रोही सा रहा है। तुम्हारी दृष्टि में मैं विद्रोही हूं क्योंकि मेरे सवाल तुम्हारी मान्यताओं का उल्लंघन करते हैं। नया जीवन बोध संतुष्ट नहीं होता ऐसे जवाबों से जिसका संबंध आज से नहीं अतीत से है, तर्क से नहीं रीति से है। यह सब धर्म नहीं, धर्म सामग्री का प्रदर्शन है। अन्न घृत पशु पुरोहित मैं शायद इस निष्ठा में हर सवाल बाधा है जिसमें मनुष्य नहीं अदृश्य का साझा है। तुम सब चतुर और चमत्कारी, बहुमत यही है, ऐसा ही सब करते। कितनी शक्ति है इस स्थिति में जिससे भिन्न सोचते ही मैं विधर्मी हो जाता हूं, किसी बहुत बड़ी संख्या से घटा दिया जाता हूं इस तरह कि शेष समर्थ बना रहता गलत भी एक सही भी अनर्थ हो जाता है। सामूहिक अनुष्ठानों के संवेत मंत्र घोष, शंख स्वरों पर यंत्रवत हिलते नरमुंड, आंखें मूंद, इनमें व्यक्तिगत अनिष्ठा एक अनहोनी बात, जिसके अविश्वास से मंत्र झेपते हैं, देवता मुकर जाते हैं, वरदान भ्रष्ट होते। तुम जिनसे मांगते हो, मुझे उनकी मांगों से डर लगता है। समझौते और लेन देन में कहीं व्यक्ति के अधिकार नष्ट होते? अंधेरे में जागते रहो अभ्यस्त आवाजों से, सचेत करते रहते पहरेदार, नैतिक आदेशों के पालतू मुहावरे सोते जागते कानों में, साथ ही एक अलग व्यापार ईमान के चोर दरवाजों से। मनुष्य स्वर्ग के लालच में अक्सर उस विवेक तक की बलि दे देता जिस पर निर्भर करता जीवन का वरदान लगना। मैं जिन परिस्थितियों में जिंदा हूं उन्हें समझना चाहता हूं, वे उतनी ही नहीं जितनी संसार और स्वर्ग की कल्पना से बनती हैं, क्योंकि व्यक्ति मरता है और अपनी मृत्यु में वह बिल्कुल अकेला है, विवश असांत्वनीय। एक नग्नता है निसंकोच, खुले आकाश की शरीर की अपेक्षा, शरीर हवा में उड़ते वस्त्र आसपास, मैं किसी आदिम निर्जनता का असभ्य एकांत, जितना ढका उससे कहीं अधिक अनावृत, घातक अश्लील सच्चाइयां जिन्हें सब छिपाते पर जिनसे छिप नहीं पाते, इंद्रासन का लोभ, प्रत्येक जीवन मानो किसी असफल षड्यंत्र के बाद पूरे संसार की निर्मम हत्या है। एक आत्मीय संबोधन तुम्हारा नाम, स्मृति खंडों के बीच झलकता चितकबरा प्रकाश, एक हंसी बंद दरवाजों को खटखटाती है, सुबह किसी बच्चे की किलकारी से तुम जागे हो पर आंखें नहीं खोलते, उसके उत्पात ने तुम्हें विभोर कर दिया है पर नया दिन आलस्य की करवटों से टटोलते तुम नहीं देखते कि यह दूसरा दिन है और वह बालक जिसने तुम्हें जगाया अब बालक नहीं, प्यार अब पर्याप्त नहीं। न जाने कितनी वृत्तियों में उग आया है वह तुम्हारा विश्वबोध और अपना भिन्न प्रतिवादी अपूर्व, अब उसे स्वीकारते तुम झिझकते हो, उसे स्थान देते पराजित, उसे उत्तर देते लज्जित।